أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिंदगी की जरूरतें एक अलग चीज है, जिंदगी का मकसद एक अलग चीज है। जिंदगी की जरूरतें क्या हैं? ये सब समझते हैं, सब पूरी कर रहे हैं। मुसलमान भी पूरी कर रहा है और मुस्लिम भी पूरी कर रहा है, यहां तक के जानवर भी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर रहा है। तो जिंदगी की जरूरतें पूरी करने में मुसलमान गैर मुस्लिम की भी कमी नहीं है, यहां तक के जानवर भी अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करता है। वो भी खाता है, वो भी मकान बनाता है, चूटी भी बनाती है, ऐसी भी बनाती है कि जमीन पर पानी भर जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, वो पानी उसकी बिल में अंदर नहीं जाता, उसको अल्लाह ने वो फन दिया है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, सैलाब आए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे घोंसलों में कोई असर नहीं होता। वो उसमें अंडे डालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पालते हैं। तो जरूरतें जिंदगी की सब समझते हैं और सब जिंदगी की जरूरतें पूरा करने की मेहनत कोशिश में लगे हुए हैं। मुसलमान गैर मुस्लिम सब लगे हुए हैं। जिंदगी का मकसद क्या है वो समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी किया। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा इंसानों को उनकी जिंदगी का मकसद समझाने के लिए। नबी दो बातें समझाते हैं, एक जिंदगी की जरूरतें पूरा करने का तरीका क्या है, उसका तरीका, दूसरे जिंदगी का मकसद। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जमीन पर उतारा और उनकी तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने उन पर वही भेजी। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, सबसे पहले इंसान भी वही है, सबसे पहले नबी भी वही है, सबसे पहली वही उन्हीं के पर नाज़िल हुई, कुरान करीम में है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि आदम तुम्हें एक जमाना यहां जमीन पर रहना है। अब तुम जमीन पर उतार दिए गए हो, तुम्हें एक जमाना जमीन पर रहना है। कैसे रहोगे? ये घर है हमने तुम्हारे लिए बनाया है, औलाद आदम को इस घर में बसाया है, तुम्हारी औलाद को बसने के लिए मैंने ये घर बनाया है, तो इस घर में कैसे रहोगे? तो हमारी तरफ से हुक्म आएंगे और तरीके आएंगे। यह सबसे पहली वही है जो आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने भेजी। तो भाइयों, हम सब जन्नत से आए हैं, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम कहां से आए? हमें उनकी ना औलाद नहीं। हमारे एक बुजुर्ग इज्तिमा में गए सिलोन, वहां उन्होंने बयान में ये कहा कि भाई सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम यहीं उतारे गए थे, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ हजरत, यहाँ एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान हैं, उसे पीक ऑफ एडम्स कहते हैं, लोग जाते हैं वहाँ ज़ियारत करने। तो उन बुजुर्ग ने पूछा कि उनकी औलाद में कोई बाकी है? देखो सोच रही तुम्हें। वो कहने लगे हजरत, इतना जमाना कौन जिंदा होता है, सब मर के चले गए, हम किसकी औलाद है? तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि आदम एक मुद्दत तुम्हें जमीन पर रहना होगा। हम आए हैं कहां से? जन्नत से। कहां जाने का इरादा है भाई?
अरे बोलो भाई, रास्ता क्या है? आए हैं जन्नत से, जाना है जन्नत को, रास्ता कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी इज्तिमा के बाद हाईवे पे गया, अब उसे नहीं मालूम कि बेंगलुरु को किधर जाना, कोलार को जाना तो किधर फिरना, राइट को बेंगलुरु जाना तो लेफ्ट को, उसे मालूम नहीं। पहली बार आया, उन्हें जाकर हाईवे पे पूछता है, एक कोई साहब खड़े हैं, ज़रा पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, उसने पूछा कि इनसे पूछेंगे रास्ता बताएंगे ये, तो उसने उनसे पूछा कि भाई मुझे बेंगलोर जाना है, क्या रास्ता है? तो वो कहने लगे, अजी हजरत तुम ना यत्ता मालूम नहीं, दुनिया गोल ले कैसा तिबी जाओ बेंगलोर पहुंच जाती। उन्हें पहुंचता है बेंगलोर को। रास्ता सही है तो मंजिल सलामत, रास्ता गलत है तो मंजिल हाथ से गई। अगर रास्ता सही है तो जितना चलेगा मंजिल के करीब, रास्ता गलत है तो जितना चलेगा मंजिल से दूर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि आदम ये दुनिया हमने तुम्हारे लिए बसाई है, तुम्हारी औलाद को यहां बसाएंगे, जमीन का फर्श हमारे लिए बिछाया, हमारे बसने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। हदीस में आता है कि तमाम इंसानों को अल्लाह रोजी जमीन से देता है, कयामत तक के आने वाले इंसानों की रोजी जमीन में है। हम जो कुछ खाते हैं वो जमीन से आता है, चावल गेहूं रागी दाल दाना, जो कुछ इंसान खाता है वो जमीन से आता है। कयामत तक के इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है। ये कैसा फर्श बिछाया है अल्लाह ने इंसान के लिए, इस पर बसो रहो और इसी में से तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हारी हाजतें और जरूरतें पूरी करेंगे। तो जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। कैसा आसमान का शामियाना लगाया है, चांद सूरज से दुनिया को रोशन किया, एक फुटबॉल के बराबर सूरज कितना नजर आता है आसमान में, सूरज आसमान में सूरज को देखो कितना दिखता है, एक फुटबॉल के बराबर, वो सारी दुनिया को रोशन करता है, पहाड़ों को जंगलों को समंदरों को, बादशाह के महल में भी रोशनी पहुंचाता है, गरीब के झोपड़े में भी बराबर रोशनी पहुंचाता है। तो चांद सूरज से रोशन किया, सितारों से रौनक दी आसमान को, हवाएं चलाई इंसान के लिए, बारिशें बरसाई इंसान के लिए, जमीन से अनाज उगाया इंसान के लिए, नहरें महाई इस्मा इंसान के लिए, सब कुछ अल्लाह ने इस इंसान के लिए बनाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देखो हम सूरज को निकालते हैं और फिर तुम्हारे सरों पर लाकर फिर उसे डुबोते हैं। कुरान करीम में है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर सूरज को हम तुम्हारे सरों पर खड़ा कर दें, जैसे 12 बजे दिन में सूरज सरों पर खड़ा रहता है, अगर हम सूरज को निकाल कर तुम्हारे सरों पर खड़ा कर दें और सूरज को न डुबोए तो तुम्हारी जिंदगी मुसीबत हो जाए। सूरज खड़ा है डूबता नहीं है, जिंदगी मुसीबत हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं ये सारा निजाम इंसान के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जानवर गाय बकरियां भैंस ये दूध के चश्मे हैं, दूध के चश्मे, इनसे हम तुम्हें दूध देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में कि इनको तुम वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, इन जानवरों को वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, असल दाना तुम खाते हो और चारा इनको खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, और ये चारा खाकर तुम्हें दूध देते हैं।
तो जो जिसे पास ईमान की रोशनी नहीं है वो कहता है यही ये गाय मुझे दूध दे रही है। ईमान वाला कहता है इसकी क्या मजाल दूध दे, वो अल्लाह दे रहा है, इसके जरिए दे रहा है। अच्छा अगर ये गाय दे रही है दूध, अगर गाय दूध दे रही है तो क्या दुनिया में आज तक किसी साइंसदान ने ऐसी कोई मशीन बनाई कि चारा डालो तो नीचे से दूध आना? अरे भाई वो शुगर केन जूस की मशीन, ऊपर से गन्ना डाले तो नीचे से शुगर केन जूस आता है, चारा डाले तो दूध आना, ऐसी कोई मशीन बनाया? ये बड़े बड़े दावे करने वाले जर्मन, जापान, अमेरिका, बड़े बड़े दावे करने वाले, क्या किसी ने ऐसी मशीन बनाई कि चारा डालो दूध आना? और ये भैंस चारा खा के दूध दे रही है, इन्हें तो सबसे बड़ी साइंटिस्ट हुई। जो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर सके वो गाय कर रही है, भैंस कर रही है, तो इन्हें बड़ी साइंटिस्ट हुई। तो इन्हें दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है। तीन नालियां चलती हैं अंदर, एक नाली है खून की, एक नाली है गोबर और पेशाब की, ये दोनों नापाक, दोनों के बीच में से अल्लाह दूध की नाली चलाता है। कैसा पाक दूध, बच्चा पिए, बुढ़ा पिए, सेहतमंद पिए, बीमार पिए, डॉक्टर साहब खाना नहीं चल रहा है दूध पिलाओ जी, बच्चा है खा नहीं रहा है दूध पिलाओ, बीमार है खा नहीं रहा है दूध पिलाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कैसा पाकीज़ा दूध तुम्हें जानवरों से दिया है, ये चश्मे हैं चश्मे। अच्छा भाई काली काली भैंस दूध कैसा? अरे भाई काले आदमी के काले बच्चे, गोरे आदमी के गोरे बच्चे, काली भैंस का दूध कैसा रहना? काला रहना, गोरी भैंस का गोरा रहना, काली भैंस का, लेकिन काली काली भैंस दूध कैसे दे रही है? कैसा पाक साफ दूध, कैसा पाक साफ दूध वो दे रही है, अल्लाह दे रहा है, ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम। अच्छा अगर उन्हें दूध दे रही है तो तुम्हें दूध पी को दूध कहीं को नहीं देते? उन्हें चारा खा को दूध दे रही है, हमें दूध चत्ता पिए। बचपन से लेकर अब तक एक एक आदमी कितने टैंकर पी गए हो, पानी का टैंकर डाल रही, देखो पानी यहाँ इज्तिमा में, ऐसे कितने टैंकर एक एक आदमी पी गया दूध, कितना दिया अब तक? उन्हें चारा खा के दूध दे रही है, हमें दूध पी को दूध नहीं देते। अल्लाह फरमाते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, ये सारा इंतजाम तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, ये सब कुछ तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। दुनिया में बच्चा बाद में आता है, उसके दुनिया में आने से पहले अल्लाह उसकी मां के सीने में दूध भर देते हैं, उसकी गजा मां के सीने से दूध। बच्चा दुनिया में बाद में आता है, अल्लाह उसकी मां के सीने में दूध पहले से भरते हैं, ये इसके लिए जरूरत है दूध की, गजा है ये। तो सारा इंतजाम मेरे भाइयों, कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी देखने के लिए, कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी हैं देखने के लिए। अभी मैं एक इज्तिमा में चंद दिन पहले बयान करने आ रहा था तो एक साहब रास्ते में मुझे रोक लिए, हजरत जरा दो मिनट। मैं रुक गया, पता नहीं बेचारों को क्या काम है, छोटा बच्चा था उनके साथ, 4-5 साल की उम्र का बच्चा। बोले हजरत ये बच्चे के आंखिया में कैंसर है, बच्चे के आंखों में कैंसर। मैं लरस गया, पहली मर्तबा मैंने जिंदगी में सुना आंखों में कैंसर। मैं लरस गया, या अल्लाह
कैसी तूने प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, अब कैंसर आंखों में, क्या कर क्या करना उसका? डॉक्टर जिस हिस्से में कैंसर होता है ऑपरेशन करके उसे निकाल देता है, आंखें निकाल देंगे उस बच्चे की, 4 साल 5 साल के बच्चे की, फिर जिंदगी क्या रह जाएगी उसके लिए? दुनिया में क्या मजा रहेगा उसका, जिंदगी में क्या मजा रहेगा? दुनिया अंधेरा होगी उसके लिए, रात के अंधेरे में दिन के फर्क और चेहरे में कोई उसके लिए फर्क नहीं रहा, दुनिया की जिंदगी बेमजा हो जाएगी। भाइयों कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, मुफ्त दी हैं, मुफ्त अपने कुदरत से दी हैं, अपने कुदरत से सिर में हर एक के 2 आंखें फिट की हैं, बोलने के लिए जबान दी, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, ये सारा निजाम अल्लाह का दिया हुआ। अब अल्लाह फरमाते हैं कि जरूरतें पूरी करो, हम मना नहीं करते, लेकिन जरूरतें पूरी करो उसमें मैं हमारा हुक्म देखो, नबी का तरीका देखो, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये नहीं सबका खा जाओ सब खा जाओ, क्या देखना क्या नहीं देखना, ये नहीं सबको बोलो। हदीस में आता है कि अगर बाप को कोई मोहब्बत भरी निगाह से देखे कि मेरे बाप हैं, तो हदीस में आता है कि उसे एक नफिल हज का सवाब मिलता है, बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने पर हज का सवाब मिलता है। तो 2 बातें हैं, ये करने के काम है या नहीं करने के काम है, ये खाओ या मत खाओ, ये पियो या मत पियो, ये देखो या मत देखो, इधर जाओ इधर मत जाओ, ये करो या मत करो, जो नहीं करना है उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जाने के गांव का रास्ता कहीं को पूछना, जो करना है वो कैसे करो, हमारे नबी को देखो, हमारे नबी को देखो, वो बताएंगे तुम्हें कि कैसे करना है। तो भाइयों एक जरूरतें हैं इंसान की, नबी बताते हैं कि जरूरतों में पूरा करने का तरीका क्या है। दूसरी चीज जो इंसान के अंदर उभरती है, हर इंसान में वो उभरती है, वो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें, हवस, हिरसो हवस, हिरसो हवस का बंदा है इंसान, उसके अंदर ख्वाहिशें उभरती हैं, नफ्स उसके नफ्स में पैदा होती हैं, उसके नफ्स में ख्वाहिशें पैदा होती हैं। जरूरतें जिस्म की जरूरतें हैं, देखो जिस्म की जरूरतें हैं, 2 रोटी खा ले आदमी जरूरत पूरी हो गई, 50 खाने हैं लेकिन 2 रोटी खा के जरूरत पूरी हो जाती है, 100 जोड़े लिबास, क्या ईद के दिन 100 जोड़े पहनकर आएगा? सुनने वाले सुनती नहीं, पहनकर आया तो मस्खरा लगेगा। 100 कमरे हैं मकान में, तो क्या रात एक एक कमरे में 5-5 मिनट सोएगा? अरे सोएगा भाई, कहीं पढ़ के सो गया, रात गुजर गई। तो जरूरतें अल्लाह सबकी पूरी करता है, गरीब की भी अमीर की भी, बल्कि गरीब अपनी जरूरतें और मजे से पूरी करता है। अमीर को डॉक्टर बोल जाता है नमक नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, फिर खाना क्या? गरीब को नहीं, सब खाओ, सब हजम हो जाता है, लकड़ पत्थर सब हजम। अब डॉक्टर बोल देता है नमक नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, अरे भाई नमक नहीं और शक्कर नहीं तो फिर खाने का कोई मजा है? तो जरूरत है तो अल्लाह गरीब की भी पूरी करता है, अमीर की भी पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिश ख्वाहिश हिरसो हवस बादशाह की भी नहीं पूरी होती, ख्वाहिशें बादशाह की भी नहीं पूरी होती। हदीस में आता है अगर इंसान को एक जंगल
सूना दे दिया जाए जंगल भरकर तो कहेगा एक और दे डालो। अरे एक जंगल क्या करेगा, खा के मरेगा ये। लेकिन हवस जो नफ्स की चीज है, हवस, देखो मेरी बात पता नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे, जरूरत है तो जिस्म की है, खाना पीना सोना बीवी बच्चे मकान सबकी है। वो गरीब की भी पूरी होती है, अमीर की भी पूरी होती है। गरीब की जरूरत एक मकान में पूरी हो जाती है, अमीर की जरूरत 10 मकान से भी पूरी नहीं होती। लेकिन एक चीज और है, ख्वाहिश, वो नफ्स की हवस है। नफ्स की हवस जो हर इंसान के अंदर एक हवस है, नफ्स है, जिसको ख्वाहिश कहते हैं, वो किस, ना अमीर की पूरी होती है ना गरीब की पूरी होती है, बादशाह की भी नहीं।